भारत सरकार के एक कानून के कारण गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर जब चरम पर थी तब भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FCRA में संशोधन किया था। इस एक्ट में तब्दीली के कारण भारत में चलने वाले एनजीओ किसी अन्य समूह को किसी भी तरह की विदेशी मदद नहीं दे सकते हैं। नए नियम के अनुसार विदेशों में आने वाले सभी फंड पहले दिल्ली के बैंक खाते में जमा होनी चाहिए। जब भारत सरकार ने इस कानून में संशोधन किया था तो बताया था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कुछ लोगों की ओर से विदेशी फंड का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। द अंट एनजीओ की सह संस्थापक जेनिफर लियांग कहती हैं कि भारत सरकार का संशोधन लोगों की जान बचाने में बाधा पैदा कर रहा है। वहीं जेनिफर ने कहा है कि FCRA में संशोधन के कारण उनका एनजीओ विदेशी दानदाताओं की ओर से मुहैया कराए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित नहीं कर पा रहा है और ना ही सरकार तक पहुंचा पा रहा है, क्योंकि हम दिल्ली में नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं। वहीं भारत कोरोना की दूसरी लहर में भारी मेडिकल किल्लत से जूझ रहा है और मृतकों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से 30 गुना ज्यादा हो सकता है। भारत के किसी अस्पताल में जगह नहीं है और लोग मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। वहीं एनजीओ और परोपकारी संस्थानों को काम शुरू करने से पहले FCRA के तहत रजिस्टर्ड होना होगा। विदेश से अगर कोई भी फंड आता है तो दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच के अकाउंट में डालना होगा। वहीं एनजीओ दूसरे सहकारी संस्थानों को विदेशी मदद नहीं दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के कारण कोविड राहत बचाने में अनावश्यक देरी हो रही है, क्योंकि अतिरिक्त फॉर्म भरने पर पड़ रहे हैं और फंड के वितरण को लेकर नियम बहुत जटिल है। एनएनएसटी इंडिया के निदेशक आकार पटेल ने कहा है कि नए कानून के अनुसार एनजीओ के विदेशी मदद स्वीकार करने को अपराध बना दिया गया है। वहीं आकार पटेल ने बताया है कि अगर आप कोविड के लिए भी काम कर रहे हैं तो विदेशी मदद स्वीकार करने के लिए कानून बहुत जटिल है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी विदेशी फंड से जुड़ी गतिविधियों को लेकर सशंकित रहे हैं। अतीत में पीएम मोदी मुख्य धारा के एनजीओ पर आर्थिक वृद्धि में बाधा खड़ी करने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं मानवाधिकार वकील जुमा सेन ने कहा है कि कानून से मोदी सरकार ने उन लोगों को चुप करने की कोशिश की है जो सरकार की खुलकर आलोचना करते हैं। सेन ने कहा है कि अगर एनजीओ का कोई सदस्य विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है तो अक्सर इसका नतीजा FCRA रद्द किए जाने के रूप में आता है। वहीं बीजेपी नेता नरेंद्र तनेजा इस संशोधन का जोरदार तरीके से बचाव करते हैं। तनेजा कहते हैं कि इस कानून को लेकर संसद में बहस हुई थी और संसद ने ना ही पास की थी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी के देश हमारे कानून का सम्मान करेंगे। हम एक संप्रभुत्व राष्ट्र हैं। भारत में कोविड संकट अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहा है। ग्रामीण भारत में काम करने वाले छोटे एनजीओ की चिंता है कि वे चाहकर भी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाएंगे। एनजीओ ने सरकार को चेतावनी दी है कि बढ़ती नौकरशाही से मुश्किल घड़ी में मदद पहुंचाने के काम को बेहद जटिल बना दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी विदेशी मदद के लिए से पहले घिर गए थे और मनमोहन सिंह का जो है वो पुराना बयान जो है वो काफी चर्चा में रहा था। वहीं कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को 16 साल पुरानी परंपरा मजबूरी में बदलनी पड़ी और विदेशी उपहार दान और मदद नहीं लेने का फैसला किया था, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के कारण भारत में कई बुनियादी चीजों के लिए मारामारी की स्थिति है। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन, दवाई और कई तरह के उपकरण ना काफी साबित हो रहे हैं।
वहीं 16 साल पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुनामी संकट के समय फैसला किया था कि भारत अब अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, इसलिए किसी विदेशी मदद को नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब हालात यह है कि मोदी सरकार बांग्लादेश और चीन से भी मदद लेने को तैयार हो गए हैं। वहीं सरकार ने कहा कि यह बहुत ही संकट का समय है, यह पहली बार है जब सरकार की ओर से इसका सार्वजनिक रूप से बचाव किया गया है। वहीं विदेशी मदद लेने का बचाव करते हुए कहा, हम इसे किसी नीति के तौर पर नहीं देख रहे हैं, हमने भी लोगों की मदद की है और हमें भी मदद मिल रही है। यह दिखता है कि पुरानी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, इससे यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत को खाड़ी के इस्लामिक देशों से भी मुश्किल घड़ी में काफी मदद मिल रही है। 25 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से फोन पर बात हुई थी। इस बातचीत के बाद गुरुवार को मेडिकल आपूर्ति से भरा एक कार्गो दिल्ली पहुंचा और भारत को सऊदी अरब, कुवैत और कतर से भी मदद मिल रही है। वहीं विदेशी मदद स्वीकार करने का बचाव करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत ने 80 से ज्यादा देशों में कोरोना वैक्सीन की 6.5 करोड़ डोज पहुंचाई है। श्रृंखला ने कहा है कि जिन देशों को लग रहा है कि भारत उनके लिए मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है, वे खुलकर मदद कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत कोरोना की दूसरी लहर में भारी मेडिकल किल्लत से जूझ रहा है और मृतकों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, लेकिन अब जो है वो भारत की मदद के लिए कई देश जो हैं वो आगे आए हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। भारत के किसी अस्पताल में जगह नहीं है और लोग मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। अब दौर ये आ गया है कि पहले कोरोना का संकट जो है वो सिर्फ शहरी इलाकों में था, लेकिन अब जो है वो कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी अपना पैर पसार रहा है और ग्रामीण लोग काफ़ी भय में हैं और वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम भी नहीं है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है और कैसे इसे लगवाना है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की जो है ये नीति जो है वो काफ़ी फेल रही है कोरोना काल में। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार जो का बनाया कानून है वो कोरोना त्रासदी में रोड़ा बनकर रह गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।